हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो तो कल हम लोग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्या? सेबी। क्या एड़े तुम लोग, सीसीआई। हाँ, ध्यान दो तुम लोग, देखा नहीं कल का लेक्चर तुम लोगों ने? ठीक है। सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग ने बातचीत करी थी, ठीक है ना? और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, कि देर शुड बी फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन, सबको समान तरीके का कंपटीशन करने को मिलना चाहिए। ओके, सो दो टाइप की कंपटीशन होगी, वो कौन सी होगी? एक डायरेक्ट कंपटीशन और दूसरी है इनडायरेक्ट कंपटीशन। एकदम आसान है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अबाउट अगर फ्री एंड फेयर कंपटीशन है तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। वापस से ये क्या है, एमसीक्यू है पूरा ये। फ्री एंड फेयर कंपटीशन अगर होंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अपने को, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट इट एनकरेजेस, इनोवेशन, आविष्कार, नई नई चीजें लेके आना, इसको क्या बोलते हैं? इनोवेशन। और कंपटीशन के वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि नई नई चीजें आज अपने को देखने को मिलती है। आज जैसे आप लोग फास्ट चार्जिंग अपने मोबाइल फोन में देखते हो, ये फास्ट चार्जिंग की जो कॉन्सेप्ट है ये आया किस वजह से होगा? कंपटीशन के वजह से आया होगा ना। दो मोबाइल फोन कंपनीज है, वो कॉम्पीट कर रही है, अब उनको अपना प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बताना है, बराबर। तो फिर वो लोग ने क्या देखा कि यार सब लोग का फोन ना फुल डे लेता है चार्ज होने के लिए, अपन एक काम करते हैं, अपन फास्ट चार्जिंग लेके आते हैं कि भाई 3 घंटे में 4 घंटे में फोन की बैटरी फुल एकदम। फिर अगर एक जन ने बोला कि 3-4 घंटे में बैटरी फुल हो जाएगा, दूसरा क्या सोचता है, अपन एक काम करते हैं, अपन लॉन्गर बैटरी लाइफ देते हैं, बराबर है कि नहीं? कि आपका फोन फुल डे अगर चलेगा तो आप बिल्कुल पूरा यूज कीजिए, वीडियोस देखिए, सब देखिए, आपका 9-10 घंटे पूरा फोन चलेगा। ये सब नई नई चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ व्हाट, कॉम्पिटिशन। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि कैमरा क्वालिटी अच्छा होते जा रहा है दिन ब दिन, ये किस वजह से है? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। सो कॉम्पिटिशन में क्या होता है, इट एनकरेजेस वॉट, नंबर वन इनोवेशन, ये ध्यान में रखने का। नई नई चीजें आज के तारीख में जो भी अपने को देखने को मिली है, वॉट एवर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वी हैव सीन इज बिकॉज ऑफ वॉट, कॉम्पिटिशन। उसके बाद इट इंक्रीजेस वॉट, एफिशियंसी। आप समझते हो एफिशियंसी मतलब, पहले तो अपन इधर इनोवेशन मतलब क्या बोलते हैं, इनोवेशन मतलब न्यू कुछ चीजें लेके आना, एफिशिएंसी मतलब क्या बोलेंगे अपन, आपकी यहां पे यस प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब इन लेस टाइम यू कैन डू व्हाट मोर, बराबर कि नहीं? क्या कहेंगे उसको, इन लेस टाइम, इन लेस टाइम मोर वर्क कैन बी डन। सो अगर कंपटीशन है तो आप क्या करना चाहोगे, जल्द से जल्द आप बहुत सारा काम करना चाहोगे ना, सो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। कंपटीशन विल ऑलवेज कीप यू ऑन टोज। क्या बोला सर ने, कंपटीशन विल ऑलवेज कीप यू ऑन योर टोज, आपको हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा, सो एफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर ऐसा है तो इसका ऑपोजिट क्या बोलता है, इट पनिशेस द लगार्ड्स। लगार्ड्स मतलब कौन, जो इनएफिशियंट है। लगार्ड्स मतलब कौन, इट पनिशेस द इनएफिशिएंट पर्सन। अगर कंपटीशन में आपको सर्वाइव करना है तो आपको मेहनत करनी जरूरी है। आप ये बोलोगे कि मैं कुछ मेहनत नहीं करूंगा और मैंने कंपटीशन जीतना चाहिए, मैं फर्स्ट आना चाहिए, मैंने बहुत पैसे कमाने चाहिए, तो क्या वो पॉसिबल है क्या? नहीं, आपको हमेशा मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप आलसी बन जाओगे, तो क्या हो जाएगा, आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। और वो पनिशमेंट क्या होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह ले लेगा। समझ रहे बात को? दैट इज नंबर 3। इट बूस्ट चॉइस, इंप्रूव्स क्वालिटी एंड ऑल्सो रिड्यूसेस व्हाट, द कॉस्ट। जब हम लोग बात करते हैं कंपटीशन की, सो क्या कंपटीशन के वजह से वाइड वराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होते हैं क्या अपने पास? क्या वराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं अपने पास? यस सर। सो बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन वी गेट वॉट, चॉइस। नॉट ओनली चॉइस, देर इज ऑल्सो वॉट, गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल टू अस। एंड लास्ट में वो क्या कहता है, इट ऑल्सो रिड्यूसिस द कॉस्ट। कॉस्ट कैसा रिड्यूस होता है, अगर मुझे कॉम्पिटिशन जीतना है तो एक क्या प्राइस वॉर चालू करेंगे ना, बराबर। ये बोलेगा अच्छा तू महंगे में दे रहा, रुक मैं सस्ते में देता हूँ।
ये सस्ते में दे रहा है तो दूसरा भी सस्ते में देगा, तो वो कॉम्पिटिशन के चक्कर में क्या हो रहा है, एज अ कंज्यूमर अपना तो बेनिफिट हो रहा है ना सर, बराबर। सो इट रिड्यूस वॉट कॉस्ट एज वेल। ये बात नहीं है, प्राइस वॉर की भी बात नहीं है, उसके अलावा भी अपन क्या कहेंगे कि अपने को अगर सेम प्राइस रखने का है एज दैट ऑफ अवर कॉम्पिटिटर। एक तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, अगर अपन 100 रुपए में बेच रहे तो अपना कॉम्पिटिटर बोलेगा मैं 80 रुपए में बेचता हूं, समझा गया बात को। अगर ये 80 में बेचता है तो ये क्या करता है, ये भी बोलता है सर मैं भी 80 में बेचेगा, तो ये क्या बोल रहा है, तू 80 में बेच रहा है, रुक साले मैं क्या करता हूं अभी, मैं 50 रुपए में बेचता हूं इसको। तो ये तो अपने लिए तो कॉस्ट कम हो गया। बट अब दूसरा सिचुएशन क्या है, अभी दोनों इधर मान लो प्राइस वॉर नहीं करना है और दोनों को 100 रुपए में बेचना है, बराबर कि नहीं, ये सेलिंग प्राइस है। बट दोनों का एम क्या रहेगा, दोनों का एम क्या रहेगा, प्रॉफिट कम करे या ज्यादा करे, ज्यादा करे। सो सेलिंग प्राइस सेम रखना है बट प्रॉफिट आपको अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट आपको कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होते जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भले ही आपका कॉम्पिटिटर और आप 100-100 रुपए में बेच रहे हो बट अगर अपन अपनी कॉस्ट कम कर पाए तो इससे क्या फायदा होगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा होगा, तो वो बेहतर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग नए नए प्रोडक्ट रॉ मटेरियल्स को हम लोग ढूंढेंगे, नए नए सप्लायर्स को हम लोग ढूंढेंगे, नए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स को हम लोग ढूंढेंगे कि जिससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हो और अपना ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। और उस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस भले ही सेम रखे, वी कैन स्टार्ट टू इंक्रीज व्हाट द प्रॉफिट। समझ में आया आप सबको, यस सर। सो वो है, दिस इज हाउ वी कैन रिड्यूस व्हाट द कॉस्ट। एंड लास्ट में इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड व्हाट इन अबंडेंस। अबंडेंस मतलब क्या, बहुत सारी मात्रा में, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, कभी भी हम लोग को आउट ऑफ स्टॉक होना नहीं है, क्योंकि अगर अपने पास स्टॉक नहीं है तो कस्टमर लगेज वेट थोड़ी करेगा, वो किसी और के पास चला जाएगा, सही है कि नहीं एकदम। सो हमें हमेशा क्या करना है, अबंडेंस में प्रोडक्ट को रखना है। मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल बताता हूं, अली का एप्पल आईफोन आप अगर सर्च करेंगे दिखाऊं आपको, आईफोन 15 डिले, देखो क्या लिखा है यहां पे, iPhone 15 to iPhone 15 Pro Max delivery what delays, मार्केट में अवेलेबल नहीं है फोन, क्या बोल रहा हूं मैं, मार्केट में फोन अवेलेबल नहीं है। वो क्या बोल रहा है, दे आर फेसिंग द लॉन्गेस्ट डिलेज इन US, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड सम पीपल आर वेटिंग एज लॉन्ग एज 58 डेज। ये अपना इधर डिलीवरी टाइम्स जस्ट अनवील्ड, iPhone 15 Pro क्विकली स्लिप अंटिल वॉट नवंबर, अभी क्या चालू है अक्टूबर, वो क्या बोल रहे हैं, लोगों को नवंबर तक फोन नहीं मिलेगा आईफोन 15 प्रो मैक्स, समझ रहे हैं बात को। तो आप समझिए, अब ऐसे केस में अगर ये लोग शॉर्टेज है आईफोन्स का, तो इस समय पे लोग किधर जाएंगे, लोग बोलेंगे छोड़ना यार नवंबर तक, अब जिसको फोन लेने का है बराबर, उसका फोन टूटा फूटा है कुछ है तो उसको अगर लेने का है तो वो क्या करेगा बताओ, वो दूसरा फोन ले लेगा ना, वो समझ रहे बात को, तो वो तो वेट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में क्या वो लोग अपना बिजनेस लूज करेंगे क्या, यस एंड एप्पल इज लूजिंग बिजनेस बिकॉज ऑफ दिस, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको ये। तो आप समझिए बात को कि अगर आपको कॉम्पिटिशन को सर्वाइव करना है तो यू हैव टू एंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आर इन व्हाट अबंडेंस एंड दैट शुड बी ऑल्सो ऑफ व्हाट एक्सेप्टेबल क्वालिटी इन व्हाट अफोर्डेबल प्राइस, मतलब बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और किफायती दाम में होना चाहिए वो, समझ में बात को। तो ये सब जो है ना, ये अगर फ्री और फेयर कंपटीशन रहेगा तो ये इसके फायदे अपने को हो सकते हैं। सो आपको ये सीधा सीधा एमसीक्यू बनेगा, हैविंग फ्री एंड फेयर कंपटीशन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स और डज नॉट प्रोवाइड, तो ऐसा आपको बेसिक एमसीक्यू आएगा, क्लियर है एकदम, यस। अपने इंडिया में मालिक एक एक्ट आती है अभी इसके लिए, वो कौन सी है, कंपटीशन एक्ट 2002, वापस से मुझे अभी बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या 1934 पक्का ना, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935,
क्लियर एकदम? यस। सेबी एक्ट 1988 बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन, नहीं, सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1988 एंड द एक्ट वाज सेबी एक्ट 1992। बराबर एकदम? यस सर। अब हम लोग बात कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट, वो कब आया? ये 10 साल बाद। अगला जो है वो कब आया? 10 साल बाद, 10 ईयर चैलेंज। बराबर, सेबी के बाद 10 साल बाद कौन आया? कंपटीशन एक्ट। सो कंपटीशन एक्ट 2002। ओके, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना। बेसिकली कंपटीशन लॉ टूल टू इंप्लीमेंट एंड एनफोर्स कंपटीशन पॉलिसी टू प्रिवेंट एंड पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस बाय फर्म्स एंड अननेसेसरी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मार्केट। दो चीज, टू प्रिवेंट एंड पनिश एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस। मतलब क्या है? अपन क्या बोल रहे हैं कि सब लोग को फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिशन करना चाहिए, बोलो हाँ या ना? अगर जैसे कोई बिजनेस करता है और हम लोग उसके ऊपर वो रिस्ट्रेन टू ट्रेड, सुना होगा आपने, कल बात करी थी पार्टनरशिप में, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा अनरीजनेबल अगर कोई क्लॉज डाल दे तो क्या वो एक्सेप्टेबल है क्या? वो नहीं। सबको फेयर चांस मिलना चाहिए कंपटीशन करने का, उसके बाद कोई एक एक्सक्लूसिव कोई डोमिनेंट प्लेयर, जैसे कि आज मान लो कोक पेप्सी या पार्ले एग्रो, ये सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में है और अपन लोग भी सॉफ्ट ड्रिंक बेचना चाहते हैं, तो वो अपने ऊपर जोर जबरदस्ती डाल के अपने को ये नहीं बोल सकते कि आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करने का हक अधिकार सबको दिया जाएगा समान तरीके से, कंपटीशन एक्ट का यही एक एजेंडा है। दूसरा वो क्या बोलते हैं, अननेसेसरी गवर्नमेंट की दखलंदाजी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बाबूज वो आपको क्या कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, भाई ये लाइसेंस है क्या, तूने होटल यहां क्यों चालू किया, तूने बंद कर देना चाहिए, ओवर टाइम हो गया, ऐसा अननेसेसरी वो क्या कर सकते हैं, आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो ये दो चीजें ना हो, इसीलिए क्या हुआ, कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया। क्लियर एकदम? यस सर। द कंपटीशन एक्ट अमेंडेड बाय कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, ये भी ध्यान, 2007, फॉलोज द फिलोसॉफी ऑफ मॉडर्न कंपटीशन लॉज। द एक्ट प्रोहिबिट्स एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। क्या क्या है एमसीक्यू के लिए? एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, जैसे कि एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर स्वप्निल सर मेरे को बोल दे, हर्षद तू है ना, जब अगर एसपीसी अगर तू छोड़ के जाएगा, सारी बातें काल्पनिक है, वास्तविक में इसका कोई संबंध नहीं है, तो अगर तू एसपीसी छोड़ के जाएगा तो तू है ना सीए के क्लासेस कहीं चालू ही नहीं कर सकता, तू तू इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ाएगा ही नहीं, तू ऑडिट कॉस्टिंग कहीं पढ़ाएगा ही नहीं अगले 20 साल तक, ऐसा अगर मेरे कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में अगर ऐसा डाल दिया तो बताओ क्या ये वैलिड है क्या? ये नहीं, मैं बोलूंगा ये ऐसा फालतू है ये सब चीजें, अगर मेरे को करना है मैं कर सकता हूं, दिस इज नॉट वैलिड। अगर वो मेरे को केस करेंगे मैं काउंटर केस कर सकता हूं अंडरवेयर कॉम्पिटिशन एक्ट कॉम्पिटिशन लॉ के तहत। सो दैट इज वॉट एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन बाय एंटरप्राइजेस। क्या होगा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशन? आज जैसे अगर मान लो जियो या अदानी या ये जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स है वो तो बहुत बड़े प्लेयर है ना, तो किसी नए एंट्रेंट को वो लोग क्या कर सकते हैं, वो यूई मार्केट से भगा सकते हैं उसको। बराबर के नहीं? एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लो कोई एक बड़े स्टार की मूवी रिलीज हो रही है, बराबर, तो वो ऐसे किसी को डरा धमका नहीं, अगर मान लो शाहरुख खान की मूवी रिलीज हो रही है तो वो ये किसी को डरा धमका नहीं सकता कि उस समय पर कोई भी मूवी रिलीज नहीं करेगा, किसी को करना है वो कर सकता है भाई, लोग करेंगे नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी है। अब समझ रहे क्या बात को? तो दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट इज देर इज शुड नॉट बी अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजिशन। सलमान खान बोलेगा, शाहरुख खान बोलेगा, नहीं नहीं भाई हमने अभी मूवी रिलीज करी है ना, कोई दूसरी मूवी थिएटर में लगनी नहीं चाहिए, लगेगी तो देख लेना। ऐसा अगर कोई किसी और मूवी प्रोड्यूसर को या डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेगा तो वो उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। बराबर है कि नहीं? ऐसा आगे बाय एंटरप्राइजेस and regulates combinations that is acquisition acquiring of control or mergers and acquisition। अब जैसे for example मान लो जितनी भी इंडिया में सीए क्लासेस है हम सब एक हो जाते हैं, सारे सीए क्लासेस एक हो जाएंगे वन, और फिर आपको बोलेंगे आज से इकोनॉमिक्स की फीस है 4 लाख रुपए,
ये गलत हो जाएगा ना, ये बराबर के नहीं। तो ये मर्जर्स, एक्विजिशन, कॉम्बिनेशन, बिजनेस कंबाइंस, इसको भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे बिजनेसेस मर्ज होते गए तो क्या हो जाएगा, लोगों को कंपटीशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, बराबर के नहीं। इसमें क्या होता है मालूम है आपको, इफ यू कैन नॉट, एक सेइंग है एंटरप्रेन्योर्स इसको यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूं, इफ यू कैन नॉट विन द कॉम्पिटिशन यू किल द कॉम्पिटिशन। क्या बोला सर ने, इफ यू कैन नॉट विन द कॉम्पिटिशन यू किल द कॉम्पिटिशन। इसका मतलब क्या होता है बिजनेस की दुनिया में, मार डालो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब कैसा, उसका धंधा खरीद लो, तुम उससे जीत नहीं पा रहे ना, एक काम करो उसको खरीद डालो, जोमैटो उबर ईट्स, बराबर के नहीं, उबर ईट्स को खरीद डालो, कॉम्पिटिशन ही खत्म ना रे भाई, समझ में आया बात को। तो ऐसे आज के तारीख में जो लोग बोल रहे हैं कि अंबानी अदानी, दिस इज व्हाट इज द फियर दैट इज ग्रोइंग, कि ये लोग क्या कर रहे हैं, धनाधन क्या कर रहे हैं, बिजनेस इसको एक्वायर करते जा रहे हैं ये लोग, बराबर के नहीं। तो ऐसे अगर ये एक्वायर करते जाएंगे तो सब सेक्टर में अंबानी या अदानी वो लोग ही रहेंगे ना भाई, तो ऐसे केस में फिर तो कॉम्पिटिशन का सवाल ही नहीं है, जो वो लोग टर्म्स डिक्टेट करेंगे उसके हिसाब से कंज्यूमर को पैसा निकालना पड़ेगा भाई, समझ रहे बात को। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए कंपटीशन एक्ट 2002 है जो अमेंड हुआ 2007 में, समझ में आया आप सबको। सो ये बात है, सो कंपटीशन एक्ट 2007 ये क्या प्रिंसिपल्स को लेके आया, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव, याद करने का ही है। नंबर 1 एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजिशंस, एंड लास्ट में रेगुलेट्स व्हाट, कॉम्बिनेशंस, ओके, विच कॉजेज और लाइकली टू कॉज एन अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स मतलब क्या बोला सर, एडवर्स मतलब क्या बोलेंगे, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया। तो पर्पज समझा क्या इस एक्ट को लेके आने का मत बच्चों, यस आगे फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट, चलो अब फटाफट इसको पढ़ लेते हैं, फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट एकदम सिंपल है, फटाफट अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों लाया गया होगा, ये सारे जो गलत कामों को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एडवर्स इफेक्ट, सही है, जितने भी ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होने वाले थे उनको रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया, बोलो हाँ, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, मार्केट में बढ़िया कॉम्पिटिशन होना चाहिए और जो कंज्यूमर्स है उनका इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड होना चाहिए, कोई भी कंज्यूमर को चूना नहीं लगा सकता है, समझ रहे बात को, कोई बेवकूफ बना के नहीं जा सकता, करेक्ट है एकदम, यस सर। आगे उसके बाद टू, अब वो एक बीच में एक ऐसा अभी एक, अरे यार मैंने पढ़ा था यार, कोई तो भी बिस्किट का एक ऐसा कोई केस था रिसेंटली, 1,00,000 रुपए का कंपेंसेशन जीता वो, गुड डे बिस्किट था क्या वो, हाँ एक दो बिस्किट कम थे, कोई तो भी बिस्किट का, अरे रिसेंट केस लो आई है, तो उस पैकेट में मेरे को ब्रांड नाम याद नहीं आ रहा, बट वो पैकेट में जो उन्होंने बोला कि लगभग इतने बिस्किट होते तो दो बिस्किट कम होते थे, अरे गुड्डे का ही है वो शायद, अपन सर्च करते रुको, गूगल टू रेस्क्यू, हाँ ये देखो आईटीसी, सनफीस्ट पैकेट, ऐसा मतलब यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, वावा कैसा भारी है, देखो तुमने आज तक कभी बिस्किट नहीं गिने, शायद अगर गिनते इतने रिकामे होते आप लोग तो आप लोग को भी 1,00,000 रुपए मिलता भाई, हाँ सोचो लोग मतलब पैसा कमाने का क्या क्या आइडिया है। आईटीसी ऑर्डर टू पे ₹1,00,000 फॉर मिसिंग बिस्किट इन सनफीस्ट पैकेट, इसमें क्या हुआ बिस्किट मिसिंग थे तो सनफीस्ट ने अपने काउंटर क्लेम में उसमें क्या बोला कि वो जो है ना आप नंबर ऑफ पीसीस मत देखो, ठीक है ना,
आप वेट के हिसाब से देखो, पहले क्या बोला वो, आप वेट के हिसाब से देखो। तो वेट भी चेक किया तो वेट भी 4-5 ग्राम जो है ना वो कम आया। तो फिर उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट किया कि जब पैकेजिंग के टाइम पे वो वेट है बट बाद में उसका वेट कम ज्यादा हो सकता है। बट फिर उन्होंने ये देखा कि भाई ये प्रोडक्ट के लिए वेट कम ज्यादा नहीं होता, बिस्किट का वेट वैसे ही रहेगा ना, वो कैसा। तो ऐसा करके वो लोग केस हार गए। एंड देन अ पर्सन हु फाइल्ड अ कंप्लेंट वॉज आस्क्ड टू रिसीव अ कॉम्पेंसेशन एंड ITC वॉज आस्क्ड टू पे अ कॉम्पेंसेशन ऑफ व्हाट, 1 लाख। कैसा भारी है कि नहीं भाई, तुम लोग भी कुछ तो भी चालू करो, क्या कर रहे तुम लोग रे है? कितना भारी। सो दिल्ली बाबू परचेज 2 dozen packs ऑफ बिस्किट्स फ्रॉम लोक, दो डजन 24 pack। और वो भी क्या मालूम, वो किसके लिए खरीदा था मालूम उसने, वो कुत्तों को खिलाता था बिस्किट वो। अरे हाँ, वो कुत्तों को बिस्किट खिलाता था और वो गुस्सा हो गया साला, कुत्तों को कम पड़ रहे बिस्किट भाई। कैसा भारी है एकदम, ऐसे पढ़ते नहीं क्या तुम लोग ऐसे रिसेंट केस लॉस केस स्टडीज व्हाट हैपेंड व्हाट नॉट। कोई बात नहीं यार। सो इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। सो ये अपने लिए है ये, ठीक है, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सब लोग को समान तरीके से धंधा करने का मौका मिले, बराबर। MRTP Act 1969 was repealed. Repealed मतलब what? Cancelled. MRTP Act अब नहीं रहा, बराबर। The Competition Act provides establishment of the Competition Commission of India. Competition Act के तहत किसका जन्म हुआ? Competition Commission of India का। So क्या ये वापस वही वही बातें आएगी? चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। The Competition Commission of India was established on 14th October 2003. अभी बर्थडे आएगा इनका 14th अक्टूबर, ठीक है ना, 14th अक्टूबर, ठीक है ना, तो ध्यान में रखने का। 14 फरवरी ध्यान में रखने का क्या? हाँ, क्या बोल रहा पागल है क्या? 14 अक्टूबर ध्यान में रखने का बेटा, 14 अक्टूबर 2003, समझा आपको? यस सर। सो 14th अक्टूबर 2003 को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे एक बात बताओ, RBI इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर। सेकेंड, SEBI वॉज एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर है। एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा आपको फालतू क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीन बोलेंगे और बोलेंगे नन ऑफ द अबव, बिकॉज ऑल आर एस्टैब्लिश। ऐसा उल्टा क्वेश्चन करेंगे वो, बराबर, तो ध्यान में रखना। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, बराबर, इज अ बॉडी हैविंग व्हाट? परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, जम रहा है क्या? पर पे मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, इट विल बी सर्वाइविंग इट। इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कितने लोग, क्या करने का? एक चेयरपर्सन, बनाओ चेयर पर्सन, कल का भी याद होगा आपको, एक चेयरपर्सन, दो RBI के मेंबर्स, एक सॉरी दो MOF और MCA का व्यक्ति, एक RBI का व्यक्ति और 5 ऐसे बाकी के लोग, ऐसे वो ड्राइंग कराना तो वो ध्यान में रहता है। सो एक चेयरपर्सन चाहिए और उसके बाद अपने को चाहिए कितने और? 6 लोग, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 chairperson and 6 members, बहुत बढ़िया। अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन। अभी मेरा खून खोल रहा, ये देखो अभी क्या है, मैं क्या पढ़ाऊं आपको। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन, ऊपर पढ़ा था कि, टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। साला ऊपर के यही पॉइंट है ना, फीचर्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट के। क्या मजाक कर रहे यार अपने साथ, ठीक है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया गिव्स ओपिनियन ऑन कॉम्पिटिशन इश्यूज
ऑन अ रेफरेंस टू द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ एंड टू अंडरटेक कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब प्रमोट करना, क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन कॉम्पिटिशन इश्यूज. द कॉम्पिटिशन कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू प्रिवेंट. साल अरे वापस वही वही लिखा है ना, देखो क्या पागल है, देखो वही है नॉनसेंस. टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन कंट्रोल, मैं खून खोल रहा मेरा अभी. टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, वही है भाई, अरे सही में वही है, सेम. प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड. फालतू मतलब मतलब फंक्शन भी वही बराबर है, उसका ऑब्जेक्टिव भी वही और इनका ड्यूटी भी वही. फंक्शन ऑब्जेक्टिव ड्यूटी वही बराबर है कि नहीं? ओके चलो ठीक है, अभी बात करते हैं रोल के बारे में. रोल ऑफ सीसीआई, द प्रीएम्बल ऑफ द कंपटीशन एक्ट स्टेट्स दैट एन एक्ट टू प्रोवाइड कीपिंग इन व्यू ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कमीशन टू सॉ क्या यार, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस सस्टेन इंटरेस्ट फ्रीडम पार्टिसिपेंट्स. क्या यार ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ये ऊपर के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए देखते हैं कुछ अलग लिखा है क्या लिखा हुआ है. द कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया एंडेवियर्स टू डू द फॉलोइंग, अंडरवेयर नहीं एंडेवियर्स, ठीक है ना. तो एंडेवर्स मतलब ट्राइज टू डू द फॉलोइंग, टू अचीव द फॉलोइंग, मेक मार्केट्स वर्क फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर. मार्केट कैसा होना चाहिए, लोगों के भलाई के लिए, फेयर एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, इफेक्टिव रिलेशन एंड इंटरक्शन विद द सेक्टोरल रेगुलेटर. सेक्टोरल रेगुलेटर्स मतलब क्या, टेलीकॉम रेगुलेटर अलग होता है बराबर, एयरपोर्ट का रेगुलेटर अलग होगा, हर एक सेक्टर का अलग अलग रेगुलेटर होगा ना. टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होगी अलग से बराबर है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मिनिस्ट्री अलग होती है. सो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच में आपस में क्या करना, कोऑर्डिनेशन लेके आना, ये इसका काम है. एंड कैरी आउट कॉम्पिटिशन एडवोकेसी. चलो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है यहां पे, रोल ऑफ सीसीआई एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर. पढ़ लो इसको, देखो क्या क्या है. बिजनेसमैन के लिए क्या फायदा होगा, अगर फेयर कंपटीशन होगा तो बिजनेस क्या होगा बच्चों, ग्रो होगा. फेयर कंपटीशन होगा तो बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा. सीसीआई प्रोटेक्ट्स बिजनेस फ्रॉम अदर बिजनेस अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट प्रमोट्स कंपटीशन बाय प्रिवेंटिंग अब्यूज ऑफ डोमिनेंस प्लेयर्स. ये सब वही लिखा हुआ है जो पहले पढ़ा था. एंड को एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, लार्ज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सब लोग मिलजुल के साथ में काम करेंगे. सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज, बोलो ना सीसीआई. एक बार दोबारा से उसको रीड करो स्टार्ट से लेके एंड तक, क्विक नजर घुमाओ, आधी से ज्यादा बातें तो सेम सेम है. वो होने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे इरडा के लिए, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. बातें मत करो,
अरे अरे अरे, बता दूंगा तुम लोगों को, पढ़ाई के समय पढ़ाई। अरे चलो, शाल वी प्रोसीड? चलो तो बात करते हैं अभी नेक्स्ट किसके बारे में, इड़ा के बारे में। व्हाट इज इड़ा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आता है किसके अंदर, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। हमने तीन इंस्टीट्यूशंस देखे अभी, कौन से? आरबीआई, सेबी एंड सीसीआई। अभी ये नॉन फंडिंग में आखिरी जो है वो कौन सा है? आईआरडीएआई। उसके बाद लास्ट में बचता है अपना कौन सा? सिर्फ नाबार्ड, ठीक है ना, जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन में आता है। सो ये भी एकदम छोटा सा है ना, ये कितने पेज का? ये एक, दो और ये छोटू सा। बाकी तो फिर इसका ये क्या दिया आपको, इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिया मस्त एकदम, क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस ये करके। चलो सो बढ़िया तरीके से हम लोग एकदम बात करते हैं अबाउट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सब लोग तैयार एकदम? अब वापस से आप समझो, एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन, आईआरडीए आई क्या है आप ये समझो। ध्यान देना बच्चों उधर। अब जैसे अपन बात करते हैं ना, कल जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको डर लगता है कि बैंक में पैसा जमा करने के लिए, नहीं, क्यों? क्योंकि बैंक्स के ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कौन? आरबीआई। आप लोग को डर लगता है स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालने के लिए? नहीं, क्यों? क्योंकि कौन है? सेबी है। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से डर लगता है क्या कि कोई आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालेगा, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज दखलअंदाज करेगी, आपको डर लगता है क्या उसके लिए? नहीं, क्यों? क्योंकि कौन है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए? सीसीआई। सेम वे में क्या आप और हम क्या इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेते हैं क्या? हम लोग बहुत पॉलिसीज लेते हैं हम लोग। आप समझिए बात को, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, मैंने अगर मुझे कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल में अगर एडमिट करना पड़ता है मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को, तो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगा। क्योंकि आज के तारीख में साहब हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, हॉस्पिटल अब सस्ता नहीं रहा, वो बहुत महंगा है ये। तो आप समझिए बात को, तो इसका अगर भुगतान करना होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और इसीलिए मैं सालाना, दैट इज एवरी ईयर, आई पे सम इंश्योरेंस का प्रीमियम, बराबर। मैंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ली मैंने, बराबर। अपन ने टर्मिनोलॉजीज में बात करी थी, टर्म इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करी थी, आपको याद होगा। तो इतनी मेहनत से मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम के पैसे मैंने जमा करे, मैंने प्रीमियम भरते गया मैं, बराबर एकदम, यस सर। रिटायरमेंट के लिए मैंने कुछ पॉलिसीज ली, सब कुछ प्लान बढ़िया कर रहा था। एवरी ईयर मैं मेहनत से क्या कर रहा था, मैं अपना प्रीमियम भर रहा था। अब मान लो वो इवेंट हो गया, कंटिंजेंट इवेंट एक्चुअली हैपेंड, बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, बराबर है। रिटायरमेंट हो गया, कंपनी से पैसा लेना है, अभी इंश्योरेंस कंपनी से मैच्योरिटी का वैल्यू लेना है। बट ऐसे समय पे अगर इंश्योरेंस कंपनी हाथ ऊपर कर दे, बोल दे हमारे पास तो पैसा नहीं है, अभी हम आपको आपका क्लेम नहीं दे सकते, हम आपको आपका जो जमा पूंजी है वो आपको नहीं दे सकते आपको, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? आप तो सड़क पे आ जाओगे ना भाई, समझ रहे बात को? हॉस्पिटल का बिल हो गया 5-6 लाख रुपए, आप कहां से दोगे 5-6 लाख रुपए? इसीलिए तो इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया था आपने, मेडिकल इंश्योरेंस इसी दिन के लिए तो लिया था, और अगर इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ये इंश्योरेंस बिजनेस भी काफी सेंसिटिव मामला है,
इसीलिए ये इंश्योरेंस कंपनीज लोगों के साथ फ्रॉड ना करे, ये इंश्योरेंस एजेंट्स लोगों को चीट ना करे, बराबर है, और लोगों को पॉलिसी में बताए गए वो सारे बेनिफिट्स बराबर से मिले, ये सब ध्यान रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन यहां पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। क्या ये बात आपको समझ में आई? एंड जब ये ऑथोरिटी है ना, तो जो इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनीज है, जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, आप समझिए उन्हें टेंशन नहीं है कि लोग बिंदास होके क्या करेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदेंगे, प्रीमियम का पैसा भरेंगे, इंश्योरेंस बिजनेस देश में चलेगा, क्योंकि उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए एक रेगुलेटर है। तो लोग बिना किसी चिंता के क्या करेंगे बच्चों, पॉलिसीज लेंगे। समझ में आया? सो दिस इज व्हाई एंड दिस इज व्हाट द इंश्योरेंस पॉलिसी बिजनेस कम्स इनटू पिक्चर। समझ में आया सबको? यस। सो क्या है, आइए देखते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया इज अ एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी विच डेवलप्स एंड रेगुलेट्स द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया विच इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री RBI विच इज द एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी दैट रेगुलेट्स एंड डेवलप्स इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया IRDAI। ये ऐसा, अब मैं क्या हर बार मैं क्या करूंगा सर, आपने जो चीजें पढ़ी है उसको मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको। समझ में आया आपको? यस सर। मुझे बताओ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट कौन प्रोटेक्ट करता है? RBI। क्या कर रहे हो यार, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट कौन प्रोटेक्ट करता है, बराबर कि नहीं? उसके बाद अपना सिक्योरिटीज मार्केट कौन करता है? सेबी। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स? सेबी। एंड उसके बाद यहां पे इंश्योरेंस मार्केट कौन रन करता है? IRDAI। समझ में आया आपको? तो वो ध्यान में रखना है। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी एक्ट 1999। समझ में आया आप सबको? ये उसका एक्ट का साल आपको ध्यान में रखने का है, राइट? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया 1999। सही है एकदम? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं यहां से। एंड ड्यूली पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अभी इधर कुछ बातें ध्यान में रखनी है आपको इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में, जो शायद आप लोगों को आज से पहले कभी पता नहीं थी। एंड सही में फिर आपको वो BCKA के जगह ये जनरल नॉलेज बहुत काम में आएगा, कुछ बातें जो आपको सही में पता नहीं थी। आइए इसके बारे में बातचीत करते। IRDAI अलाउज प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर इनटू इंश्योरेंस सेक्टर। सो क्या प्राइवेट प्लेयर्स इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकते हैं? आंसर इज यस इन इंडिया। बिसाइड्स मैक्सिमम ऑफ फॉरेन इक्विटी ऑफ व्हाट, अभी आराम से स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट अभी 26% को हाईलाइट मत करना, रिलैक्स। सो बिसाइड्स मैक्सिमम फॉरेन इक्विटी ऑफ 26% इन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, द इंश्योरेंस बिल प्रपोज्ड बाय UPA गवर्नमेंट, कांग्रेस, बराबर, इन जुलाई 2013, बट पास्ट इन जुलाई 2014 जब NDA की सरकार आई, 2014 मोदी जी, बराबर के नहीं? अभी 2024 फिर इलेक्शन होंगे, बराबर के नहीं? हाँ। सो रेज द FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू 49%। सो आपको इतना ध्यान में रखना है कि अभी इंश्योरेंस बिजनेस में फॉरेन इक्विटी कितना परसेंट है? 49% है, ठीक है ना? तो FDI 49% तक है। तो FDI के बारे में हमने क्या क्या बात करी थी पिछले चैप्टर में? हमने FDI के बारे में बात करी थी कि किसमें किसमें अलाउड नहीं है करके, याद होगा आपको? एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, एटॉमिक एनर्जी, चिट फंड, बेटिंग, गैम्बलिंग, बराबर, ट्रेडिंग इन रियल इस्टेट, बट कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउड है, अरे हेलो, डीलिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, बराबर। तो उसमें हमने बात करी थी, उसमें गवर्नमेंट रूट, ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट मतलब आपको एक्सप्रेस परमिशन दिया गया है, बट गवर्नमेंट रूट मतलब आपको केस टू केस परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसी कुछ बात करी हमने।
तो इसमें इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स बिजनेस कर सकते हैं, प्राइवेट में आप एफडीआई भी ले सकते हो, बट एफडीआई मैक्सिमम कितना ऑफ 49%। समझ में आया आपको? या आगे इट सर्व्स एज अथॉरिटी। ध्यान से देखना, अभी आप ऑटोमेटिकली लॉजिकली आप कनेक्ट कर सकते हो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए? अपना, पॉलिसी होल्डर्स का। रेगुलेट, प्रमोट एंड एंश्योर ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो क्या होना चाहिए? पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना चाहिए। यह काम किसका होगा? IRDAI का। IRDAI रोल इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स एंड दे प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज फॉर रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ दिस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। मतलब आपको अगर इंश्योरेंस का बिजनेस करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको RC लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फ्रॉम हूम? IRDAI। जैसे बैंक का धंधा चलाना है आपको, तो आपको RBI से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको अगर कंपनी लिस्ट करनी है तो सेबी के रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आपको इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मिशन स्टेटमेंट। चलो तो मिशन के बारे में बात करते हैं, फटाफट मिशन खत्म करते हैं इसका। फर्स्ट, लर्न नहीं करना है आपने को, ऐसा एग्जाम में शॉर्ट नोट के लिए पूछेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए कि ये इनका मिशन है या नहीं है। देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे हाँ या ना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी होल्डर के लिए सब बराबर होना चाहिए भाई, ये कौन देखेगा? IRDAI। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने का किसका जिम्मेदारी है? IRDAI। बेनिफिट ऑफ द कॉमन मैन, बराबर के नहीं? एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर द एक्सेलरेटेड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। टू प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस एंड फेयर डीलिंग एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ दोज इट रेगुलेट्स। ऑफ दोज इट रेगुलेट्स मतलब कौन? नहीं रे बेटा, इंश्योरेंस कंपनीज। ये इंश्योरेंस कंपनीज क्या होनी चाहिए? ईमानदार होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं? उनके पास फाइनेंशियल साउंडनेस, फाइनेंशियली साउंड का मतलब क्या होता है? उनके पास अच्छा खासा पैसा होना चाहिए कि जब भी कोई क्लेम करने आएगा ना, तो वो ऐसा नहीं बोल सकते कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है। तो IRDAI इंश्योर करेगा कि उन लोगों के पास सफिशियंट पैसा है ना लोगों के क्लेम चुकाने के लिए। समझ में आया आप सबको? एंड फेयर डीलिंग, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। अगर उसका जेन्युइन क्लेम है तो वो आपने उसको पैसा देना चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं? कोई भी बेसलेस ग्राउंड पे आपका क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं, बराबर है कि नहीं? तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। टू एंश्योर, देखो लिखा हुआ आगे क्या, स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड्स एंड अदर माल प्रैक्टिसेस, एंड पुट प्लेस इफेक्टिव ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीनरी। ग्रीवियंस मतलब क्या? कंप्लेंट्स। ग्रीवियंस का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लेंट्स। अभी क्या है, इंश्योरेंस फ्रॉड्स भी नहीं होने चाहिए, तो इससे भी ये रोकने के लिए कौन देखता है? IRDAI। अब इंश्योरेंस फ्रॉड कैसे होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे कपड़ों की दुकानों में, मॉल में आग लगती है। कैसे लगती है आग? कैसे लगती है आग? अब वो धंधा चलता नहीं, ऐसे मॉल में आग लगती जो मॉल चलता नहीं, ऐसे ही मॉल में आग लगती जो मॉल, ऐसे कैसे भाई? तो वो बाद में इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उसका, बराबर के नहीं? डैमेज बाय फायर, स्टॉक घर पे लेके जाएंगे, रख देंगे, बता देंगे कि हमारा इतना स्टॉक जल गया करके, और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेंगे। फिर वो जो इंस्पेक्टर आएगा चेक करने के लिए कि क्लेम जेन्युइन है या नहीं, उसको बोलेंगे सर तुम 50,000 रुपये रख लो ना, तुम क्लेम हमारा क्या करो, सैंक्शन करा दो। वो भी बोलता ओके, बोल रहा मेरे कौन से पैसे जा रहे, वो क्लेम को सैंक्शन कर देगा। तो ऐसे फ्रॉड्स नहीं होने चाहिए, बराबर है? तो वो भी कौन देखेगा, ध्यान कौन रखेगा?
आईआरडीए टू प्रमोट, ध्यान से पढ़ना है एकदम, ये क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग विथ इंश्योरेंस कौन देखेगा? अभी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बराबर है, सेबी स्टॉक्स एंड सिक्योरिटी मार्केट, और यहां पे आईआरडीआई द मार्केट फॉर इंश्योरेंस, द फाइनेंशियल मार्केट डीलिंग विथ व्हाट, इंश्योरेंस, ऐसा बिल्ड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल साउंडनेस अमंग मार्केट प्लेयर्स टू टेक एक्शन वेयर स्टैंडर्ड्स आर इनएडिक्वेट और इनइफेक्टिवली एनफोर्स्ड टू ब्रिंग अबाउट ऑप्टिमम सेल्फ रेगुलेशन बराबर इन द इंडस्ट्री कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रूडेंशियल रेगुलेशन, क्या बस सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ना, ये कौन देखता है यहां पे, आईआरडीए। मैं क्या बोल रहा हूं, ये ड्यूटीज पढ़ लेगा तो खत्म भी हो जाएगा, ज्यादा कुछ बचा नहीं, एक पेज है, एक पेज के लिए डिले क्यों करे, ठीक है। सो फिर जब आएगा और नेक्स्ट अपना पास क्या बचा है, सेबी, सॉरी नाबार्ड, और नाबार्ड तो बहुत छोटू सा है ना एकदम, तो नाबार्ड, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलके नाबार्ड को खत्म कर लेंगे बराबर, और फिर उसके बाद आपका टेस्ट रखेंगे फुल बीसीके के ऊपर, पूरा बीसीके के ऊपर टेस्ट रखेंगे ट्यूसडे को, ट्यूसडे डिसाइड कर लो भाई, पूरा बीसीके। हेलो 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 हेलो, हाँ क्या हुआ बेटा, तो ऑनलाइन देंगे ना, देंगे ना, नहीं देगा तो अच्छा, तेरे लिए कंपटीशन कम हो रहा ना तेरे को, यू शुड बी हैप्पी, जो लोग नहीं दे रहे कंपटीशन कम हो रहा। चलो फटाफट रीड करते हैं इसको, ये ड्यूटीज ऑफ आईआरडीआई क्या कहता है। सबसे पहले आईआरडीआई का ड्यूटी क्या है, मैं फटाफट इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान देना, सर्टिफिकेट देने का स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी क्या है, लोगों को सर्टिफिकेट बांटने का, तेरे को इंश्योरेंस का बिजनेस करने का है सर्टिफिकेट, तेरे को करने का है सर्टिफिकेट, तेरे को करना है सर्टिफिकेट। फिर उसमें अगर तुमने नए नए प्रोडक्ट लेके आए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बराबर के नहीं, जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, तो उसको मॉडिफाई भी करने का, हर साल उसका रिन्यूअल करने का। तो ये सब सर्टिफिकेट का मॉडिफिकेशन, रिन्यूअल, ग्रांटिंग, कैंसिलेशन, ये सब कुछ काम कौन करेगा, आईआरडीआई, ये उनका ड्यूटी है। समझने का उनका काम क्या क्या है, ड्यूटी क्या क्या है, सर्टिफिकेट देने का, सर्टिफिकेट बांटने का ड्यूटी किसका, आईआरडीआई का, सही है एकदम। उसके बाद पॉलिसी होल्डर के लिए काम करने का, पॉलिसी होल्डर के लिए क्या काम करने का, असाइनिंग ऑफ पॉलिसी, आज ये पॉलिसी बराबर से उसी की है ना, नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर, नॉमिनेशन मतलब समझते हो कौन होता है, नॉमिनेशन, नॉमिनी, नॉमिनी और लीगल हायर सेम है क्या, अलग अलग है, नॉमिनी एंड लीगल हायर्स आर डिफरेंट है। यूजुअली हम लोग ऐसे ही व्यक्ति को नॉमिनी रखते हैं जो हमारा लीगल हायर है, बट नॉमिनी और लीगल हायर्स आर डिफरेंट। थोड़ा आपको बता दूं इसके बारे में, एज अ सीए स्टूडेंट या शायद आपको पता हो या नहीं पता हो, और एज अ नॉर्मल पर्सन यू शुड नो, नॉमिनी इज जस्ट अ केयर टेकर, तुम्हारे बाद तुम्हारी जो भी संपत्ति रहेगी वो तुम्हारा नॉमिनी उसको टेक केयर करेगा, बट इसका असली हकदार, इसका वारिस कौन होगा, आपके लीगल हायर। नॉमिनी ये नहीं बोल सकता है कि मैं नॉमिनी हूं तो ये सब जो संपत्ति है ये मेरी है, समझ में आया आपको, नॉमिनी बस वही होता है कि वो सब पूरा देखरेख करेगा, बट ये किसको मिलेगा, बाय लॉ इट विल बी टू योर लीगल हायर्स, समझ में आया आपको, अनलेस एंड अंटिल मेंशनड इन द विल, अगर विल में लिखा है कि इसका होगा तो उसका होगा, अदरवाइज नॉमिनी कैन नॉट क्लेम द राइट, ठीक है। सो नॉमिनी का नाम होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, क्लेम सेटलमेंट, सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू मालूम आपको क्या होता, बताया था अपन ने बात करी थी सरेंडर वैल्यू क्या, नहीं करी थी, अकाउंट्स में करा था। आज अगर इसको अपन त्याग दे तो आज के तारीख में कितना पैसा मिलेगा वो बोल, तुम समझो बात को, आज मैंने अगर 1 करोड़ का पॉलिसी लिया, कितने का, 1 करोड़ का,
एक इंस्टॉलमेंट भरा उसका, 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा। बैंक के पास जाता हूं और बैंक को बोलता हूं, बैंक मेरा 1 करोड़ का पॉलिसी, मेरे को 90 लाख का लोन दो। नहीं मिलेगा। बैंक बोलेगा इसका सरेंडर वैल्यू कितना है आज अगर बंद करे तो? तो अगर उसका सरेंडर वैल्यू 50,000 है तो 50,000 का ही लोन मिलेगा, भले ही मैच्योरिटी अमाउंट कितनी है 1 करोड़, बट अभी कितनी वैल्यू मिलेगी उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। तो सरेंडर वैल्यू, तो ये सब बातें। उसके बाद इंटरमीडियरीज और एजेंट्स के लिए, इंटरमीडियरीज और एजेंट्स पता ना आप लोगों को, वो एजेंट्स होते हैं ना इंश्योरेंस एजेंट जो पॉलिसी बेचते हैं आप लोगों को, उनके क्वालिफिकेशन, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ये सब प्रिस्क्राइब कौन करेगा? IRDAI। बराबर से काम काज हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए भाई? फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा आपका, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कभी आपका, बाइक कार का, तो आप लोगों ने इंश्योरेंस का फॉर्म भरा होगा, उसमें आप बोलते हो कि ऐसा गिरा, ऐसा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो फिर आपका क्लेम सैंक्शन कौन करता है? ये सर्वेयर या लॉस असेसर, इसको इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, कि वो देखते हैं वो क्लेम जेन्युइन है या नहीं है। तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, उनका ट्रेनिंग वो भी IRDAI प्रिस्क्राइब करेगा। उसके बाद प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। अब ये री इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है मालूम आपको? समझाऊं आपको री इंश्योरेंस बिजनेस क्या होता है? इंश्योरेंस का इंश्योरेंस इज री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का इज री इंश्योरेंस। ध्यान से सुनना, इधर ही अपने आनंद सर है, इन्होंने क्या किया, एक एक्स कंपनी का, इन्होंने एक्स कंपनी से इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, ठीक है ना। अब ये एक्स कंपनी को लगता है कि ये रिस्क बहुत ज्यादा है, या उस एक्स कंपनी को लगता है कि अपन ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्क ले ली है, मतलब बहुत ज्यादा अपन ने पॉलिसीज ऑलरेडी अंडरराइट करे हुए, तो अभी आनंद सर का भी पॉलिसी आ गया, अब अपन ओवर लिमिट हो गए, बहुत ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज अपन ने ले ली। हर एक इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम करने का, मतलब एक्सेप्ट करने का एक कुछ तो ये होगा ना, क्या बोलते हैं, रिस्क एपेटाइट होगा ना। 1 लाख करोड़ तक का क्लेम, कितना तो क्लेम वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि हाँ पॉलिसी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और एक टाइम पे अगर सबने क्लेम कर लिया तो इतना पैसा देंगे कहां से, तो कुछ ना कुछ एक अपर लिमिट होता है। तो आनंद सर का पॉलिसी जैसे ही लिया, उनको लगता है अभी बहुत ज्यादा रिस्क हो गया, अपन इसको है ना चुका नहीं पाएंगे। तो ये क्या करता है, वाई कंपनी के पास जाता है और वाई कंपनी को बोलता है भाई ये आनंद सर का पॉलिसी है मेरे पास, इसका इंश्योरेंस तू ले। तो एक इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि ये ऑलरेडी जो इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने आनंद सर को दिया है उसका इंश्योरेंस तू कर ले। समझा गया बात को? तो इसको क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, री इंश्योरेंस। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये एक्स कंपनी वाई कंपनी को भरेगा क्या प्रीमियम, और वाई कंपनी एक्स कंपनी को इसके बदले क्या देगा, कमीशन। और मजे की बात पता है आपको क्या, इस इंसान को इसके बारे में भनक तक नहीं थी, आनंद सर को आईडिया नहीं, आनंद सर का कोई लेना देना नहीं है इसमें, आनंद सर को पता है मैंने एक्स कंपनी से क्या लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है। इन द इवेंट ऑफ द कैलामिटी आनंद सर किसके पास जाएंगे, एक्स के पास या वाई के पास? एक्स के पास। एक्स को पैसा देना पड़ेगा किसको, आनंद सर को। एक्स बाद में किससे रिकवर करेगा, वाई से। समझ में आया बात को? सो ऐसा जो अरेंजमेंट हुआ ना किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, इसको क्या बोलेंगे अपन, री इंश्योरेंस। आई बात समझ में? बट अभी ध्यान से सुनना, इधर स्वप्निल सर है, बड़ा आदमी है एकदम, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, बराबर। तो यहां पे स्वप्निल सर एक्स कंपनी के पास गए, बोले मेरा इंश्योरेंस कराओ, एक्स कंपनी बोलते नहीं इतना रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। स्वप्निल सर वाई कंपनी के पास गए, वाई कंपनी बोलता इतना रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। बट अब ये दोनों मिलके क्या बोलते हैं, चलो सर एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके क्या करते हैं, आपको इंश्योरेंस देते हैं। समझ में आएगा बात को? ऐसे अरेंजमेंट को, इसको क्या बोलेंगे अपन, को इंश्योरेंस। बस बता रहा हूं कभी अगर एग्जाम में एमसीक्यू के लिए आए तो। सो री इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, री इंश्योरेंस। और को इंश्योरेंस मतलब क्या है,
कि दो इंश्योरेंस कंपनी मिलके एक व्यक्ति को अगर इंश्योर कर रही है, एक बिजनेस को अगर इंश्योर कर रही है, तो उसको बोलेंगे अपन क्या, को इंश्योरेंस। समझ में आया आपको? यस सर। सीए फाइनल में आओगे ना आप, तो इंश्योरेंस कंपनी को ऑडिट कैसे करने का वो सिखाया जाएगा आपको, मजा आएगा। ठीक है, सीए फाइनल में। चलो उसके बाद बेसिक बेसिक पॉइंट्स, एफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, बराबर है, लेविंग फीस एंड अदर चार्जेस, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर इंस्पेक्शन इंक्वायरीज वगैरह, जैसा सेबी भी करता है वैसा ये लोग भी करेंगे, कंट्रोल ऑन रेगुलेशन रिगार्डिंग व्हाट रेट्स एडवांटेजेस टर्म्स कंडीशन दैट मे बी ऑफर्ड, मैनर इन विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी, मेंटेनेंस ऑफ व्हाट सॉल्वेंसी मार्जिन, बहुत भारी पॉइंट है ये, मेंटेनेंस ऑफ व्हाट मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब क्या, एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, तुम्हारी एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू द लाइबिलिटीज बाय 50%, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन। अगर आपकी लाइबिलिटी 100 रुपए है तो योर एसेट शुड बी वर्थ 150, क्योंकि इन द इवेंट ऑफ क्लेम तुम ऐसा नहीं बोल सकते लाइबिलिटी ज्यादा है हमारे पास तो उतने एसेट ही नहीं है हम क्लेम नहीं चुका पाएंगे, ना, एवरी टाइम यू शुड बी वॉट सॉल्वेंट, एवरी टाइम यू शुड बी हैविंग वॉट मनी विथ यू, that is IRDA will say that you should maintain what solvency margin, your assets should be more over what your liabilities, adjudication matlab kya, settlement of disputes between insurance and intermediaries or insurance intermediaries, tariff advisory committee barabar kitna rate lagane ka premium kitna hona chahiye wo, specifying percentage of premium, स्पेसिफाइंग परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस टू बी अंडरटेकन, तुम अगर बिजनेस कर रहे हो इंश्योरेंस का कितना प्रतिशत लाइफ कितना प्रतिशत जनरल, लाइफ मतलब जिंदगी का, जनरल मतलब अदर देन लाइफ, गाड़ी का, दुकान का, स्टॉक का, गोल्ड का, इस सब का इंश्योरेंस मतलब कौन सा, जनरल इंश्योरेंस। मैं अगर चाहूं तो मेरे आवाज का इंश्योरेंस करा सकता हूं, हाँ, फुटबॉलर्स अपने पाव का इंश्योरेंस कराते हैं, मालूम है आप लोगों को, वो लोग अपने पाव का इंश्योरेंस कराते हैं क्योंकि उनका पाव ही तो सब कुछ है, फुटबॉलर अगर खेल नहीं पाया तो गया उसका, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उनको करोड़ों रुपए देगी अगर उसके पाव को कुछ हो गया तो, वो तो चाहेगा नहीं अपने पाव को कुछ हो करके, ऐसा। एंड सच अदर पावर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, रोल पढ़ लो एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर, खत्म करो बात को। फर्स्टली रेगुलेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री, secondly protect insurance policy holders, thirdly benefit of policy holders and educating general public, over, samjha, डन, ओके। सो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे आप लोगों को, हियर वी आर डन विथ व्हाट IRDAI, हम लोग अभी मिलेंगे मंडे को, और मंडे को हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन NABARD, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट शुड बी द स्टडी प्लान व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर PL, बराबर है, और फिर उसके बाद जो बच्चे मई और जून बैच में, आप लोग फर्स्ट बैच अप्रैल में स्टार्ट हुआ था ना, तो मई और जून बैच के जो बच्चे उनके साथ फिर कुछ वार्तालाप करेंगे, उनके साथ आगे का कोर्स ऑफ एक्शन कैसे पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स के कुछ बातें, और फिर जो अप्रैल वाले हैं उनको टाटा बाय बाय बोल देंगे अपन, ठीक है। सो मंडे को हम लोग NABARD डिस्कस करेंगे, एग्जाम के 2.5-3 महीने का स्टडी पैटर्न कैसा होगा उसको डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स को लेके खास तौर पे, एमसीक्यूज को लेके खास तौर पे, कैसे क्या करना है
एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. ओके, तो मंडे वुड बी आर लास्ट लेक्चर फॉर बीसी के, ठीक है, एंड लास्ट लेक्चर फॉर द गाइज हु ज्वाइंड ऑन अप्रैल. थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर.